हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो ऑफ माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्कआउट में इंटेंसिटी क्यों इम्पोर्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इंटेंसिटी बढ़ाने की वजह से हमारा अगर मसल बढ़ता है तो उस वजह से हमें कैसा रिजल्ट आ सकता है, ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देखी थी। इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज, हम कौन से एक्सरसाइज चूज करनी चाहिए और वो कौन से टाइप में रहेगी, एक्सरसाइज करते वक्त कौन सा इक्विपमेंट हमने चूज करना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। तो अभी हम सीखेंगे टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज की टाइप डिपेंड करती है उस एक्सरसाइज में कितने जॉइंट इन्वॉल्व है। अगर एक जॉइंट में अगर मूवमेंट है तो उसको बोलेंगे आइसोलेशन मूवमेंट, और अगर दो या उससे ज्यादा जॉइंट में मूवमेंट रहेगी उसको बोलेंगे कंपाउंड मूवमेंट। तो कंपाउंड मूवमेंट बेसिकली चार प्रकार के रहती है, सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट और पावर मूवमेंट। ये चार प्रकार के कंपाउंड मूवमेंट क्या रहते हैं ये हम एक एक करके विस्तार में सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट क्या होती है। जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा रहेगा कि ये कंपाउंड मूवमेंट है, पर ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट क्या होती है। तो स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट मतलब जिसमें स्ट्रक्चर मतलब आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर लोड रहता है, आपके स्पाइन के ऊपर लोड होता है और आपके बॉडी के हर एक मसल को इन्वॉल्वमेंट होती है उसमें, तो उस मूवमेंट को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट। तो सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट क्या होती है। सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट मतलब ऐसी कंपाउंड मूवमेंट जिसमें, या फिर ऐसे मूवमेंट जिसमें मल्टीपल जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा और वो एक्सरसाइज करते वक्त आप किसी चीज का सपोर्ट लोगे, मतलब अगर आप बैठ जाओगे बेंच के ऊपर तो वो सपोर्टेड मूवमेंट हो जाएगी। अगर आप लेग प्रेस या फिर कोई इक्विपमेंट के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे हो, समझ लो आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप बेंच पे लेट गए तो आपने बेंच के ऊपर सपोर्ट लिया है तो वो सपोर्टेड मूवमेंट हो जाएगी, सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड तो आपने सीखा सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट क्या रहती है, स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट क्या रहती है, और कुछ कुछ कंपाउंड मूवमेंट ऐसे रहते हैं जो स्ट्रक्चरल में भी नहीं आएगी और सपोर्टेड में भी नहीं आएगी। स्ट्रक्चरल में क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आपके बॉडी पे या फिर आपके स्पाइन पे ओवरलोड नहीं रहेगा, पर वो कंपाउंड मूवमेंट में आएगी। पर अगर वो सपोर्ट के साथ नहीं है तो वो कैसे रहेगी, अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, मतलब मल्टीपल जॉइंट रहेगी उसमें, मल्टीपल जॉइंट में मूवमेंट रहेगी और मल्टीपल जॉइंट में मूवमेंट होने के साथ साथ उसमें कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं रहेगा। जैसे कि बेंट ओवर रोज, अगर बेंट ओवर रोज हम करेंगे तो हम बेंट हो रहे हैं और मूवमेंट ऐसे कर रहे हैं, तो हमने बेंट ओवर रोज करते हुए किसी भी बेंच का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपने इंक्लाइन बेंच के ऊपर आपने आपके बॉडी को रेस्ट किया और रोइंग कर रहे हो तो वो सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट हो जाएगी। तो यही है सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट और स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट। तो फोर्थ टाइप ऑफ कंपाउंड मूवमेंट है पावर। पावर मतलब हमारा जो स्ट्रक्चरल मूवमेंट है वैसे ही सेम रहेगा पर इसमें क्विकनेस रहेगा, मतलब अगर हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं तो डेडलिफ्ट हम स्लोली लिफ्ट करते हैं, स्क्वाट करते तो स्लोली नीचे जाते हैं, एक्सप्लोसिवली अप आते हैं। पर अगर पावर मूवमेंट रहेगी, ये स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट में आती है पर पावर मूवमेंट क्विकनेस के साथ रहते हैं, जैसे कि स्नैच एंड क्लीन एंड जर्क। देखेंगे आइसोलेशन एक्सरसाइज क्या रहते हैं। इससे पहले हमने देखा था आइसोलेशन मूवमेंट क्या होती है। तो आइसोलेशन एक्सरसाइज यही एक्सरसाइज है जिसमें एक जॉइंट में मूवमेंट होगी, सिंगल जॉइंट में मूवमेंट होने की वजह से हम सिंगल मसल को टारगेट कर सकते हैं। सिंगल मसल को टारगेट करने के लिए आइसोलेशन एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल रहती है। अभी आइसोलेशन एक्सरसाइज के मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे कि बाइसेप के लिए हम कर सकते हैं प्रीचर कर्ल, लैटरल रेजेस कर सकते हैं, शोल्डर के लिए, चेस्ट के लिए कर सकते हैं पेक फ्लाई या फिर केबल फ्लाइज, शोल्डर के लिए हम मैंने जैसे आपको बताया हम कर सकते हैं लैटरल रेजेस, उसके साथ साथ अगर आपको रियर डेल्टॉइड को आपको ट्रेन करना है तो आप कर सकते हैं रिवर्स पेक फ्लाई कर सकते हो। अगर आपको शोल्डर के फ्रंट डेल्ट को ट्रेन करना है तो आप फ्रंट रेजेस कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे कंपाउंड एक्सरसाइज क्या रहती है। जैसे आपको पता है कंपाउंड मूवमेंट में क्या था कि मल्टीपल जॉइंट में मूवमेंट थी, तो इस वैसे ही सेम कंपाउंड एक्सरसाइज में मल्टीपल जॉइंट में मूवमेंट होने के साथ साथ मल्टीपल मसल को हम टारगेट कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर चेस्ट प्रेस कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये कंपाउंड मूवमेंट है और हम सिर्फ चेस्ट को टारगेट कर रहे हैं, पर चेस्ट के साथ साथ शोल्डर और ट्राइसेप के भी मसल उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। हालांकि उनके ऊपर प्रेशर या फिर उनके ऊपर टेंशन कम रहता है पर फिर भी वो भी एक्टिवली
पार्टिसिपेट करते हैं उस मूवमेंट में। अगर आप आइसोलेशन एक्सरसाइज करोगे तो सिंगल जॉइंट के ऊपर टेंशन होने के वजह से आप ज्यादा हेवी लिफ्ट नहीं कर पाओगे, पर अगर वो कंपाउंड मूवमेंट रहेगी तो उसमें आप ज्यादा हेवी लिफ्ट कर पाओगे। अगर आपको आपका वर्कआउट प्लान डिजाइन करना है तो डिजाइन करते वक्त सबसे पहले आपने चूज करना है स्ट्रक्चरल कंपाउंड मूवमेंट, क्योंकि उसमें आपके पूरे बॉडी पे और आपके कोर के मसल पे ज्यादा प्रेशर रहेगा और कोर का मसल इन्वॉल्व रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या चूज करेंगे, स्ट्रक्चरल मूवमेंट। उसके बाद हम चूज करेंगे अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट, जिसमें सपोर्ट नहीं रहेगा, जैसे कि बेंट ओवर रोज हो गया, जिसमें हम अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर तो बना रहे, कंपाउंड मूवमेंट भी है, पर हम किसी भी चीज का सपोर्ट नहीं ले रहे। फिर उसके बाद हम मशीन्स पे जाएंगे और चूज करेंगे सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट। और सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट को चूज करने के बाद अगर आपके बॉडी में एनर्जी बची है तो आपको करने है आइसोलेशन मूवमेंट। तो जैसे एक्सरसाइज डिपेंड करती है लाइन ऑफ ग्रेविटी और लाइन ऑफ मोशन के ऊपर, वैसे ही डिपेंड करती है फंक्शनैलिटी के ऊपर भी। तो हम एक्सरसाइज चूज करते वक्त हमारी फंक्शनैलिटी किस चीज से डेवलप होगी उसके उस हिसाब से हम चूज करेंगे कि कौन से एक्सरसाइज हमने करनी है या कौन से एक्सरसाइज हमने अवॉइड करनी है। एक्सरसाइज हम सेम लेंगे, फॉर एन एग्जांपल बेंच प्रेस लेंगे, तो बेंच प्रेस अगर आप कर रहे हो बार के साथ या फिर डंबल के साथ, और आप जब पुश कर रहे हो तो वेट लेफ्ट जा सकता है, राइट जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, कहीं पे भी उसकी मूवमेंट हो सकती है। उस वजह से आपके बॉडी की कोऑर्डिनेशन बढ़ेगी, आपके सीएनएस का डेवलपमेंट हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया प्रोप्रिसेप्शन, आपके बॉडी का प्रोप्रिसेप्शन बढ़ेगा, आपके बॉडी के सीएनएस सिस्टम एक्टिव होने की वजह से कोऑर्डिनेशन और अच्छे से होगा, आपकी बॉडी की फंक्शनलिटी बढ़ेगी। पर यही वर्कआउट अगर मैं मशीन के साथ करूंगा और मशीन पे बेंच प्रेस करूंगा तो उसका पाथवे सेट है, तो मुझे ज्यादा कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोर मसल की इन्वॉल्वमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इसके वजह से क्या होगा, मेरी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनलिटी कम डेवलप होगी। जब भी आपको आइसोलेशन या फिर सिंगल जॉइंट में मूवमेंट करनी है तो मूवमेंट हमेशा सर्कुलर मोशन में रहेगी, तो लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ ग्रेविटी कभी मैच नहीं करेगी। तो जो भी सर्कुलर मूवमेंट रहेगी या फिर आइसोलेशन मूवमेंट है तो आपको वो मूवमेंट करनी चाहिए मशीन के ऊपर या फिर केबल के ऊपर, केबल पुली जिस मशीन में रहेगा उस मशीन को आपको यूज करना है, अगर सर्कुलर मूवमेंट है तो, आइसोलेशन मूवमेंट है तो, और अगर मल्टीपल जॉइंट की मूवमेंट है तो आपको वो डंबल के साथ या फिर फ्री वेट्स के साथ वो एक्सरसाइज करनी चाहिए, उससे आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। पर अगर आप बिगिनर हो और आपको एक्सरसाइज समझने में दिक्कत आ रही है या फिर फॉर्म एंड टेक्निक में दिक्कत आ रही है तो आप इन बिगिनिंग इक्विपमेंट को यूज कर सकते हो, पर लेटर ऑन आपको अनसपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए रादर देन सपोर्टेड कंपाउंड मूवमेंट। तो यही था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने सीखा टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या है, सबसे इफेक्टिव टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है, लेस इफेक्टिव टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सी है, कौन सी एक्सरसाइज हमने चूज करनी चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त, अगर हमने कोई एक्सरसाइज चूज की है तो उसको करने के लिए हमें इक्विपमेंट या फिर मशीन चूज करनी चाहिए या फिर फ्री वेट्स चूज करने चाहिए, ये किस बेसिस पे हम चूज करेंगे, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में सिखाया। अगले वीडियो में हम सीखेंगे हर एक जॉइंट का जॉइंट ऑफ एक्शन या फिर जॉइंट ऑफ मोशन क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्ले गेम वीडियो। आज हम करने वाले हैं कुछ अलग, फटाफट से आपको फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। देखो मैं कितनी मेहनत से बॉडी बना लेता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर डालिए।